इस बार हम लोग देखने वाले हैं इंस्टाग्राम के डार्क मीम्स। पता नहीं आजकल इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, जिन एनिमे कार्टून्स को हम लोग बहुत भोला भाला और सिंपल समझते थे जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता था, इंस्टाग्राम में मीम बनने के बाद उन एनिमे या फिर कार्टून का अलग ही मीनिंग निकलने लगा, तो वही सब देखने वाले हैं। हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। क्या डांस है डोरेमोन का। क्या वो क्या कर दिया, मजाक बना दिया डोरेमोन। पुराने जमाने का लेजेंड कार्टून था और उसका अब इतना खतरनाक मजाक उड़ाया जा रहा है। तू पर्वतिया की लौंडिया है? हाँ मालिक। तेरा ब्याह होने वाला है ना? हाँ मालिक। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? भरत को कैसे खुश किया जाता है कुछ पता है? मर जानी है। ये कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है जिराया सेन से? हैप्पी एंडिंग क्या होने वाला है? उसे बेल बजा के भाग रहे हैं वो। अंदर ही चला गया भाई। लास्ट वाला तो अंदर ही चला गया कि तुम लोग बजाओ बाहर से घंटी, हम सीधे चले अंदर। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया। एनीमे वॉइस पूरा साइनू व्हेन यू आर अलोन वर्सेस आगे बुन चिन्नो जुत्सु का। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं बाबा, ऐसी एनीमे देख रहा हूं थोड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है। डब किसने किया है? जरूर सिर्फ एनीमे नहीं है। yes, daddy, yes. अब ये पिटने वाला है। yes, ये पिटेगा। yes, पापा एनीमे नहीं है, देख रहे हैं। ऐसा ही है पापा। पिटेगा, बेल्ट निकलने वाला है। एनीमे इसको पिटवा के छोड़ेगा या फिर हो सकता है वो एनीमे ही हो लेकिन एक का पीछे एच लगा हुआ हो। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? क्या हो रहा है? ये देख के मेरा पेट भर गया। वैसे नहीं छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट मीम। एक दिन एब्सेंट हो जाता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्कूल में, क्या ही होगा? दैट डे डांस चल गया। इससे हम भी रिलेट कर सकते हैं। अगर तुम एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहो छोड़ा तो हम सुना सकते हैं तुमको। तो वो दिन था जिस दिन हम अपना कॉलेज नहीं गए थे और उसी दिन हुआ था हम लोग का कॉलेज का गेट का जस्ट थोड़ी दूरी पे जहाँ पे मेन रोड आता है वहीं पे हो गया था एक्सीडेंट। और ऐसा वैसा नहीं, एक ट्रक बाइक को उड़ाया था और बाइक का जो ड्राइवर था उस ट्रक के पहिए के नीचे आ गया था। नीचे आके पार भी नहीं हुआ, नीचे आके बस रह गया था और उसका ब्रेन का ब्रेन आमलेट बन गया, पूरा चपटा हो गया था। और उसका जो खून था मैक्सिमम एक हफ्ते तक दिख ही रहा था पूरा रोड में, लाल लाल गजब का सीन था। और वो सीन हम मिस कर दिए, मतलब मरा वो अफसोस का बात है लेकिन क्या ही मरा होगा। एक खतरनाक सा याद रह जाता कि क्या ही एक्सीडेंट देखे हैं लेकिन देख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उस दिन नहीं गए। इसीलिए जब तुम्हें ऐसा फील होने लगे कि आज खास करके आज ही स्कूल नहीं जाना, उस दिन जरूर जाना क्योंकि उस दिन जरूर कुछ होगा। 9, 31, 8, 106, 7, 15, 20। आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या जिराया सेंसर ने कभी ऐसे नंबर्स का जिक्र किया था जो इनसे मिलते हो? काकाशी याद कर रहा है। याद आ गया? ये नंबर 106। क्या है? क्या काकाशी समझ पाएगा? मास्टर जिराया, तुम बहुत नादान हो काकाशी। क्या मतलब? वो वक्त आने पर अपने आप समझ जाओगे। समझ गया काकाशी।
आखिर काकाशी बुक किसका पढ़ता था? जिराया सेंसे को। इतना ही हिंट काफी है काकाशी का समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें और कोई भी नंबर देखने के लिए मिला है, और 106 डिजिट से भी ज्यादा बड़ा नंबर, 207। कौन है ये जो तासुनाडे को बीट कर दिया इसमें? है कौन ये? अगर कोई जानता है कमेंट में जरूर बताओ, हम भी जानना चाहेंगे आखिर 207 है कौन। ये लोग नारुतो देख रहे हैं नाटक कोनेरी। ओ ये लोग भी है, कोई पूरे गैंग नजर रखे हुए था। राजा ने उसको चुम्मा दिया। तुम रुको नोबिता बेटा, पीछे क्या देख रहे हो? कोठे का नाच चल रहा है क्या पीछे? चलो मेरे सवाल का जवाब दो, राजा ने रानी से क्या मांगा? क्या? सर वो राजा ने रानी से चुम्मा मांगा। राजा ने रानी से संतान मांगी थी। सर चुम्मा के बाद गपागप हुआ तभी तो संतान आई। माँ एक से एक हरामी भरे मेरे क्लास से, क्या करूं मैं इनका? साले निकल जाओ और कल अपनी मम्मी को लेके आना। सर मम्मी तो नानी क्या गई है। सही जवाब कौन देगा? अरे सर ये कौन सी कॉमिक है? अरे सर ये वो सविता भाभी की। तुम अपनी मम्मी को लेके आओगे? यहाँ आओ तुम्हारे घर तुम्हारी मम्मी से मिलने। एक से एक हरामी है झोपड़े। बढ़िया था, बढ़िया। टॉप 5 बॉयज पोज। पोज नंबर 1 गिलहरी पोज। इस तरह के पोज मारने वाले लड़कों को लड़कियां काफी आसानी से दिल दे बैठती है। पोज नंबर 2 साइलेंट पोज। इस तरह के पोज मारने वाले लड़कों के चक्कर में कई लड़कियां अपनी जान दे चुकी है। पोज नंबर 3 कछुआ पोज। इस तरह के पोज वाले लड़कों को देखते ही महिलाएं गर्भवती हो जाती है। पोज नंबर 4 लकड़बग्घा पोज। ये पोज लड़कों के इस पोज को देखकर ज्यादातर लड़कियां अपना कंट्रोल खो बैठती है। पांचवा और सबसे खतरनाक पोज जय बीरू डबल पावर पोज। लड़कों का ये पोज डायरेक्ट लड़कियों के मस्तिष्क में जाकर अटैक करता है, जिसके कारण वो दोनों लड़कों के क्यूटनेस में अंतर पता नहीं कर पाती। किसी को ये सब पोज ट्राई कर रहा है तो ट्राई कर सकते हो, क्या पता तुम्हारा काम बन जाए अगर तुम सिंगल हो तो। वरना मिंगल हो तो ये सब ट्राई करने की कोशिश मत करना, वरना जो इतना मेहनत से कष्ट करके जो रिवॉर्ड तुमको मिला है क्या पता वो छीन जाए ये सब हरकतें करने से। स्कूल अथॉरिटी ने एनिमे गर्ल्स की ड्रेस को लड़कियों की यूनिफॉर्म बनाने से मना कर दिया, मैटरी कर दिया। ये लोग लग रहे कि करवा के जाएगा, यही यूनिफॉर्म आज से चलना चाहिए, सब जगह बांट दो इसको, फ्री में बांटो, हम दे रहे पैसा बांटने का, लेकिन यही यूनिफॉर्म अब से स्कूल में चलेगा। और ऐसा आ जाए तो मजा भी आ जाएगा। तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे भले तो भले, तुम कह दो कि ऐसा मैं हूँ। ये कौन से ढंग से बनाया? स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। बात था ये थोड़ा डीप था, लेकिन उससे ज्यादा मजेदार गाय का डांस, क्या ही नाचे ये टांग पर उठा के भाई, क्या मस्त लग रहा है देखने में। ये मेरी नियत थी, लेकिन बात बहुत ज्यादा डीप था। नींबू पे पैर पड़ा, भूत आ गया। जल्दी से मैंने नींबू पे पैर रख दिया, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई, क्या करूं मैं? क्या बात कर रहा है, कौन सा नींबू था भाई? ये वाला नींबू था, क्या करूं मैं? हम भी बैठ गए। दोस्त का ये होता है, कोई बात सच नहीं मानते, लेकिन जब उनके साथ भी हो जाएगा तब पता चले हाँ अब इसमें हम लोग सबको फंस चुके हैं, अब इससे छुटकारा कैसे पाए। कोई कमेंट में लिख रहा है अब तो ये लोग सिंगल नहीं रहेंगे। राधे गुरुजी, पूरी फैमिली फनी है। सासू माँ आपके बहुत बड़े फैन है, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। पूरा जोश में के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरे चरण आपके चरणों में मेरा यही पूरा बोलने वाले थे। ज्यादा मीम देखने का साइड इफेक्ट। आई एम सास्के उचीहा। तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के इसके सामने अपना नाम बताने का कोई फायदा नहीं है? ये नहीं देखता कि सामने कौन है, बस पंगा लिया तो पीटना स्टार्ट। गलत बात है भाई, देखो ये औरतों की दुनिया बहुत छोटी, हम ही से शुरू होती है और हम ही पे खत्म हो जाती है।
घर बार बाल बच्ची कोकेन है, इन्हीं में वो रह जाती है, क्या कहते हैं, बंदी रह जाती है। बॉयज है वो ओनली टू मूड, एक समझदारी वाला और एक मजे वाला। ये सब तो ठीक है, मगर जियो का रिचार्ज का प्लान और नहीं बढ़ना चाहिए। ये लोग हॉटस्पॉट लेके अपना काम चला लेते हैं, लेकिन हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसका स्वाद काफी मीठा, काला और मुलायम है। इसका स्वाद काफी खट्टा, मीठा और चिपचिपा है। यह काफी काला, सख्त और कड़वा है। 95 रुपए में 4 उंगलियों का अनुभव मेरे लिए काफी मजेदार था। पता नहीं, हमको टेस्ट नहीं किया। और तुम लोगों को भी ऑफर मिले टेस्ट करने का, तो टेस्ट करना चाहोगे क्या? जैपनीज डब है, इवन गॉट इंडियन सीरीज इन जैपनीज डब। वो जैपनीज डब में देखने में थोड़ा अलग सा फील तो आया है, कुछ ऐसा गंभीर बात हो रहा है और उसके साथ म्यूजिक का तड़का लगा है, बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी साथ निभाना साथ या गोपी वो सीरियल का और अलग लेवल। ये कुछ थे मजेदार से मीम्स। अगर तुम्हें ये वीडियो देखने मजा आया हो तो इसी तरह के और भी काफी सारे वीडियोस मीम रिव्यू के पड़े हुए और भी काफी अलग अलग तरह के चैनल पे, तो तुम वहां जाके देख सकते हो। और कुछ ज्यादा ही देखने मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बस देन, सी यू और वीडियो में।